हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त जय और आप देख रहे हो यूसा गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर हम फ्री फायर की न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आज हम टूटी घर वाले छत पे नहीं, उसके पीछे जो झोपड़ी है वहाँ पे हम उतरेंगे। तो आज क्या धमाल मचाते हैं वो आप इस वीडियो में देखना। तो हम ये पहले छोटी झोपड़ी में देख लेते क्या है। तो हमें इधर कुछ अच्छा नहीं मिला, सिर्फ डब्बा मिला एक, और इधर एक कार 98 है जो एक अच्छी गन है बहुत, और हमें एक शॉर्ट रेंज की शॉर्ट गन भी मिल चुकी है। तो इधर एक बंदा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। तो हम नीचे की ओर निकल लेते हैं पहले, और मुझे थोड़ी सर्दी हो गई तो थोड़ी मुश्किल आएगी मुझे कमेंट्री करने में। तो आप टेंशन मत लेना, मैं अच्छे से कमेंट्री कर लूँगा। तो हमें इधर एक्सामेंट मिल चुकी है जो वाकई में एक दमदार बात है, और हम K98 की गोलियाँ फेंक देते हैं। और इधर हमें एक टोकन मिला है, दो टोकन मिले हैं, और उसके साथ स्कार भी मिली है, और स्कार एक्सामेंट से बहुत अच्छी है। और स्कार इतनी अच्छी चलती है ना, और हमारे पास उसकी स्किन भी है, तो स्किन के साथ तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी चलती है हमारी गन। और इधर एक हमें एक ग्लूवल मिल चुका है जो वाकई में एक दमदार बात है, और टोकन मिला है FF टोकन। तो हम आगे चलते गाइस, मुझे लगता है ऊपर एक या दो तीन बंदे हैं, तो हम फटाक से ऊपर चलते हैं और फटाक से बंदों को मारते हैं। तो एक बंदा तो डबल डोर में, मैंने देख लिया, आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता। अभी एक मैप में एरो बन के आएगा, देखो ये रेड है, एरो बन के आ गया है। तो हम उसे मारने की ट्राई करेंगे, नहीं मार पाए तो कोई बात नहीं। तो इधर तो सही से हम नहीं मार पाएंगे, वो जो डबल डोर के बाजू में एक अच्छा दो माले का घर है ना, हम उधर जाएंगे उसे मारने के लिए। ओके, तो हम निकल लेते हैं उधर, ग्लू और हाथ में रख लेते हैं। पहले हम ये टूटी छत वाले घर के ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम देखेंगे कि उसे मार पाते या नहीं मार पाते। मार लिया तो अच्छा है, नहीं मार लिया तो कोई बात नहीं है। तो गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो रेड कलर का बटन है उसको दबा के आप ग्रे कलर का कर देना, और उसके पास में एक बेल आइकन बन के आएगा, और वो बेल आइकन को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप हमारी फैमिली का वही एक हिस्सा बन जाओगे, जो वाकई में एक दमदार बात है। तो हम टायर से इधर पहले जंप लगा लेते हैं, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना गाइस, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कर लेना। तो हम थोड़ा इधर स्कोप करके देख लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हम नीचे चलते हैं। इधर एक बेहतरीन इनहीलर और एक FF टोकन है, और FF टोकन हमें बहुत हेल्प आता है। हम उससे ग्लूवा ले सकते हैं, SMG एमओ ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं उससे, हम अपने दोस्तों को रिवाइव भी करा सकते हैं। लेकिन हम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो हमारे तो कोई दोस्त नहीं है, तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम चलते हैं ये वाले घर पे, और आपको पूछते पा रहे हैं वो बंदे के, मुझे पूछते पा रहे हैं। तो गन हम हाथ में रख लेते हैं पहले, ये शायद नीचे से आ रहा है। तो हम वो दरवाज़ा है, हम उधर सीढ़ी के पास जो दरवाज़ा है ना उधर खड़े रहते हैं। ये आ गया बंदा, ओ भाई क्या ही ओपी हेड मारा है। तो
हम आगे चल के ऐसे ही हेड मारते रहेंगे। और आपको ऐसे हेड की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो आज तो हमें इस गेम में बुईया करना ही करना है। लेट्स सी क्या होता है। बुईया हो गया तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, हम दूसरी गेम में बुईया कर लेंगे। ये गेम में नहीं हुआ तो इधर SMG मतलब MP40 की होती है, पर हमारे पास तो MP40 है नहीं, तो हमें तो क्या ही जरूर है। इधर छुरी बढ़ती, ये डेथ बॉडी है, इधर एक MP5 है, लेकिन हमें MP5 नहीं चाहिए। स्कोप करके हम थोड़ा बहुत झाँक लेते कोई है तो नहीं इधर, लेकिन इधर तो कोई है नहीं, तो हम निकल लेते हैं पीछे की ओर। इधर मशरूम है तो मशरूम ले लेते हैं, हमें जोन के अंदर मतलब जोन के बाहर काम आ जाएगा बहुत। आजकल फ्री फायर में ज़्यादा बंदे मिलते नहीं है, तो जहाँ पे बंदा मिलता है मैं वहाँ पे मिलता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को कट करना पड़ेगा। तो चलते हैं वीडियो कट करके, मिलता हूँ बाद में। सो गाइस, हम वीडियो कट करके वापस आ चुके हैं और इधर एक बंदा है, तो ओ भाई क्या ही ओपी सा हेड लग गया। और भाई ये बंदा कर क्या रहा था वैसे, पता नहीं क्या कर रहा था वो, शायद उसकी गन जल्दी नहीं निकली होगी, मोबाइल में खेल रहा होगा तो मेरे जैसे। तो इधर जोन भी आ चुका है, तो हम जल्दी से जोन के बाहर चलते हैं वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हम कुछ ग्लूअर ले लेते हैं, ग्लूअर बहुत काम आते हैं हमारे। हम कुछ और ले सकते हैं क्या ही लेके हम, तो ये डब्बे एक डब्बा ले लिया हमने। हाँ, मुझे एक ट्रिक अभी याद आई गाइस, हम पहले हमारे सारे ग्लूअर निकल लेते हैं बाहर। तो हमने सारे ग्लूअर निकल लिए इधर बाहर सारे, अब हम फिर से लेने जाते हैं। तो देखो ये मिल रहे हैं फिर से, तो हमें इधर 4 ही ग्लूअर मिले हैं, लगता है इससे ज़्यादा नहीं मिलते, तो हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं, मिल जाए तो अच्छा है। फिर से हम लेने जाते हैं ग्लूअर, अब नहीं मिले, लगता है इसकी लिमिट इधर तक ही थी। तो हम अब MP40 की गोलियां ले लेते हैं और हम ग्लूअर भी सारे उठा लेते हैं। तो हमारे पास इधर 10 ग्लूअर हो चुके हैं शायद, हाँ 10 ग्लूअर हो चुके हैं हमारे पास। हमारी हेल्थ भी बहुत खा रहा है जोन, तो हम जोन के बाहर चल लेते हैं, मतलब जोन के अंदर चलते हैं जल्दी से। तो हम आ गए जोन के अंदर, तो हमारी बहुत हेल्थ खाली थी, तो हमने 2 हीलर मार के सब कुछ सही कर लिया है। फिर से गेम को अपने साथ में ले लिया है। और गाइस हम गेम पे फोकस करते हैं, फोकस इन गेम, गेम इन फोकस, ओके। तो हमें MP40 की गोलियां मिल चुकी है तो ले लेते हैं। इधर एक फ्यू क्या बोलते हैं उसका नाम नहीं पता, सूजी गन, या मैं तो उसको सूजी गन बोलता हूँ, और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है ना। तो इधर जोन आया तो हम जोन के पहले निकल पाते या नहीं निकल पाते देखते हैं। और इधर क्या लगाया है मुझे शायद पता, कुछ पता नहीं चल रहा, लगता है स्प्रे लगाया होगा। तो हम जोन के साथ रेस लगा रहे और हम जीत गए रेस, ये बोलते ना ओपी वाला पेडू। तो इधर एक ग्लूअर है तो ले लेते हैं, हमारे पास 11 ग्लूअर हो गए। ओ भाई, एक वाकई में एक दमदार बात है, 11 ग्लूअर सोलो वर्सेस स्क्वाड में बहुत काम आता है, 11 ग्लूअर मतलब ग्लूअर बहुत काम आता है। तो वो सामने पत्थर के पास एक बंदा है, ओ भाई क्या ही एक
बेहतरीन हेडशॉट के साथ हमने बंदे को किल किया है। तो आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, मैं तीन तक गिनता हूँ और आपने लाइक कर दिया तो वाकई वो एक दमदार बात है। 1 2 3 सो गाइस, आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मैं आगे नहीं भूलूँगा। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको ऐसे ही हेडशॉट की वीडियो और भी मिलती रहेगी। इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखना और बाजू में जो बेल आइकन बन के आएगा उसको ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। तो मेरे पास कमेंट करने के लिए कुछ शब्द नहीं थे तो मैंने ये आपको कह दिया, आपने नहीं किया तो कर देना। ओके, तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं बंदे मिलते या नहीं मिलते। मिलते हैं तो अच्छी बात है या फिर कोई बात नहीं। और पीछे जोन भी आ रहा है तो हमें जल्दी से जोन के अंदर आना जाना होगा अच्छे से। हम अभी जोन के बाहर हैं तो हम जोन के अंदर चलते हैं जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम चलते हैं वरना हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमें डबल डोर में से कुछ लूट मिल जाती तो ठीक है। साइलेंसर हमें मिल गया है लेकिन मुझे लगता है साइलेंसर पहले से लगा हुआ है तो फिर से तो नहीं लग पाएगा। तो हम साइलेंसर को फेंक देते हैं और जल्दी से हम नीचे चलते हैं। कोई लूट तो इधर नहीं पड़ी तो हम जल्दी से फटाफट भाग के चलते हैं। एफएफ टोकन था बहुत ज़्यादा ही एफएफ टोकन है वो गए हैं मेरे पास लगता है। देखो कितनी बार एफएफ टोकन मिल रहे हैं। जो काम की चीज़ें है वो कभी जल्दी नहीं मिलती, जो नहीं है वो जल्दी मिल जाती है। और जोन भी हमारे बहुत हेल्थ खा रहा है और हम तेज़ भाग नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों। लगता है ये बंडर की वजह से हम तेज़ नहीं भाग पा रहे या फिर जोन बहुत तेज़ चल रहा है। हमारे पास इनहीलर है तो हम इनहीलर मार के थोड़ी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। अरे भाई जोन कितनी हेल्थ खा रहा है, जल्दी से हम जोन के बाहर चल लेते हैं वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा भूया नहीं हो पाएगा। जोन बहुत हेल्थ खा रहा है भाई, रुक जा हाँ रुक गया। तो हम जल्दी से बहुत एक इनहीलर मार लिया है और ओ भाई बच गए हम। सो गाइस हम इधर जोन के अंदर तो आ गए, मतलब अंदर आ गए हैं। जोन हमारे बाजू में ही खड़ा रहा है अभी 44 सेकंड के लिए, तब तक हम एक मेडकिट मार के निकल लेते हैं जल्दी से। इधर हमें ड्रैगनो नहीं चाहिए, ये क्रोज़ा इतनी अच्छी चलती है ना, क्या ही ओपी हेड लगते हैं क्रोज़ा के अंदर। आपने देखा नहीं होगा तो आप यूट्यूब पर इतना सर्च करना क्रोज़ा वन टैप हेडशॉट, बस इतना सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी। सिर्फ अब मेरे अलावा शायद दो बंदे बाकी है, दो बंदे अलाइव है मेरे अलावा। तो देखते हैं हम वो दो बंदे को मार पाते हैं या नहीं मार पाते। तो हम क्लॉक टावर की ओर चलते हैं, लगता है वो दो बंदे क्लॉक टावर पे ही है। अब हमारे अलावा सिर्फ एक बंदा अलाइव है तो लगता है इस बार हमारा वीजा हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले हम, क्लॉक टावर पे तो आ गए लेकिन बंदा अभी तक हमें नहीं मिला। तो हम थोड़ा वो घर बड़ा घर है ना दो मल्ले का उधर चलते हैं। अरे भाई कहाँ से पड़ रही है, अरे अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ से पड़ रही है वो उधर दो ग्लू लग रहे हैं, लगता है वो एक बंदा उधर ही है। तो हम चलते हैं उधर, हम इधर से ही उसको मारने की ट्राई करेंगे। अरे भाई कितना डैमेज दे रहा है ये,
रुक अभी तू रुक, हम ये सही वाला बंदा लगता है, इसने बहुत डैमेज दिया हमें, तो हम इसे मारने की ट्राई करेंगे और बुइया ले जोन हमें हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे बनाए, तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है, वो बंदा इधर आएगा तो हम उसे नॉक करके मतलब मार डालेंगे। तो बंदा इधर आया, हमने 9 डैमेज दिया 9 का, तो हम ग्लोर हाथ में रख लेते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो बंदा ये लगता है उसके पास ग्लोर खत्म। ओ भाई क्या ही ओपी सा हेड लगाए। सो गाइस हमारा इधर पूजा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अपने दोस्त को कहना कि ये वीडियो और 10 लोगों के साथ शेयर करें। तो हम अभी गोल्ड 4 पे, लेकिन तो मिलते हैं कल की एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।